समय आप देख रहे हैं इनका फूल मालाओं से स्वागत करते हुए फिर से हरदेव सिंह जी ने आखिर अल्टीमेटली ये कहेंगे फिर से अब पार्टी को रिवाइव करने का सोच ही लिया है। अब देखना है जिस तेजी के साथ ये आए हैं किस तरह से पार्टी उस तेजी से क्या उसका ग्राफ ऊपर जाता है जो कहीं ना कहीं लुप्त हो चुकी है। और यानी सियासत है, सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, आदान प्रदान चलता रहता है नेताओं का, पर किस विजन के साथ ये आए हैं ये भी जानने वाली बात है, इनसे भी जानने का प्रयास करें। और भले ही ऑफिस में स्टेट डिपार्टमेंट ने सील कर दिया पर उसके बाहर बिल्कुल देख रहे हैं आप जो दृश्य, टेंट लगाकर यहाँ पर मोर्चा खोला है और लोग ये भी कह रहे हैं टाइगर इज बैक। आप देखते हैं क्या ये टाइगर से बात करते हैं, टाइगर क्या कहते हैं। ये नहीं हौसले बुलंद है, ये तो वाकई कहेंगे हम हौसले बुलंद है, भले ही ऑफिस नहीं है पर फिर भी टेंट के माध्यम से आज लोगों को संबोधित करेंगे। भले कोई साथ दे ना दे पर बुलंद आवाज तो उठाते हैं, हमेशा जनता के हित की बात करते हैं बड़ी बेबाकी से। लोग नाराज भी होते हैं, खफा भी होते हैं कि थोड़े ये हाइपर हो जाते हैं या एग्रेसिव हो जाते हैं। विजय चलिए जानने से प्रयास करेंगे हरदेव सिंह जी का। हरदेव सिंह जी क्या कहें, लोग कह रहे हैं टाइगर इज बैक आपके सामने है और दोबारा से पैंथर्स पार्टी को रिवाइव करना है, खड़ा करना है, आवाम की बात करनी है, लोगों की बात करनी है।
पर एक चीज आपसे जानने की बड़ी जोश और खुरोश के साथ, आपने आम आदमी का पार्टी का दामन थामा था, जनता का सवाल है, हमारा नहीं है वो जानना, भी हमारा कहने का कर्तव्य है। तो फिर से पैंथर पार्टी में आने का, जिस समय आपको जरूरत थी उस समय आप छोड़ के चले गए, अब फिर से आप आए हैं, क्या सोच लेकर आए सर? जिस वक्त हमें जरूरत थी हमने छोड़, जिस वक्त लोगों को जरूरत है हम वापस आ गए जी। अब देख लीजिए, लोगों ने कहा वापस आइए, हम वापस आ गए और अब खड़ा होंगे, लोगों के साथ खड़ा होंगे और इस लड़ाई को अब हम पाए तकमील तक ले जाएंगे। लोगों को उम्मीद सिर्फ पैंथर्स पार्टी से है आज, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लोगों ने देख लिया, परख लिया, आजमा लिया और अब पैंथर्स पार्टी ही एकमात्र विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आई है और यही जम्मू कश्मीर के लोगों को न्याय दिला सकती है। इसीलिए पैंथर्स पार्टी को रिवाइव करने के लिए तमाम साथियों ने और बुद्धिजीवी जो हैं, जो वेल विशर्स हैं, जो कंसर्न्ड लोग हैं, कंसर्न्ड सोसाइटी है जम्मू कश्मीर की, उनकी ये राय थी कि पैंथर्स पार्टी को ही मजबूत किया जाए, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर असफल हुई है और लोगों के साथ किए हुए वादों को पूरा करने में विफल साबित हुई है। लगता है हर्षदेव जी आपका कि जो यही एकमात्र पार्टी है जिससे आम लोगों की आवाज को बुलंद किया जाए। बिल्कुल, यही एकमात्र पार्टी है, क्योंकि हमें किसी मसले को उठाने के लिए दिल्ली से परमिशन लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ लोग फैसला करेंगे, यहाँ लोगों के साथ जब ज्यादती होगी तो लोगों के बीच में बैठकर फैसला होगा और उसके ऊपर अमल किया जाएगा, उस आवाज को लगातार जो इल्जामों की बौछार लगा रहे कि आरटीए के माध्यम से जो उनका पैसा आना था वो रुक गया, शायद उसी वजह से आपने पार्टी छोड़ी। लोग करते हैं, देखिए इल्जाम तो सियासत का एक हिस्सा है, जिनका कोई बस नहीं चलता है वो इल्जाम लगाते हैं, उनके पास लगाने के लिए सिर्फ इल्जाम है। हम कहते हैं हमसे पूछिए कि आप क्या करेंगे, लोगों के लिए क्या करेंगे, लोगों के लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने प्रण लिया था कि मैं तब तक अन्न का दाना नहीं खाऊंगा जब तक भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सीएम नहीं बन जाता। ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ा सा अनाज बच जाएगा इसी बहाने। सर जिस तरह से आपका कार्यालय को सील कर दिया गया स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, आज हमने बाहर टेंट लगाकर किया, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से बौखला चुकी है, क्योंकि पैंथर्स पार्टी के रिवाइव होने की बात करते ही उनकी नींद उड़ गई है और उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय का सहारा लेकर हमारा दफ्तर खाली करवा दिया, जो अनडेमोक्रेटिक है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और एक बहुत बड़ा जो है वो भेदभाव भी है। जो पार्टीज अनरिकॉग्नाइज्ड हैं उनको भी आज सरकार ने ऑफिसेस दिए हुए हैं, अपनी पार्टी की कोई रिकॉग्निशन नहीं है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की कोई रिकॉग्निशन नहीं है, लेकिन पैंथर्स पार्टी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद भी हमें आज सड़कों के ऊपर बैठना पड़ रहा है। लेकिन यहीं से ये लड़ाई होगी और मैं इस सरकार को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप दफ्तर से हमें निकाल सकते हो लेकिन लोगों के दिलों से हमें नहीं निकाल सकते हो। हमने लोगों के दिलों में जगह बनाई हुई है और लोगों को साथ लेकर उनके जो मसाइल हैं उनको उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, हर मजलूम के साथ, हर गरीब के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ, युवाओं के साथ, जो अति इन्होंने की है, जो इंतहा की है, जो एक जाति और अत्याचार ये लोग कर रहे हैं आम नागरिकों के ऊपर, कभी उनकी जमीनें खाली करवाकर, कभी उनके ऊपर अलग अलग किस्म के टैक्स लगाकर, उसका मुकाबला अगर कोई कर सकता है जम्मू कश्मीर में तो वाहिद और वाहिद पैंथर्स पार्टी कर सकती है और इस लड़ाई का बीड़ा हमने उठाया है। अब भारतीय जनता पार्टी होशियार हो जाए। प्रोफेसर साहब, ये जो भीम सिंह ने पहले से ही सिलेंडर करके स्टेट डिपार्टमेंट को दे दिया, ये आपसे किसने कहा? सर एक लेटर जो हमारे पास हमारे पास लेटर, हम जाना चाहेंगे, प्रोफेसर भीम सिंह ने पहले ही कहा था कि गांधीनगर में जो अलॉटमेंट किया गया उसके अल्टरनेट हमें दिया जाए, उन्होंने पहले ही ये चिट्ठी दे दी थी स्टेट डिपार्टमेंट को, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए अल्टरनेटिव तो दीजिए, क्या ऐसे ही किसी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को आप बाहर फेंक सकते हैं? कहां है जमहूरियत, कहां है संविधान, कहां है रूल ऑफ लॉ जिसकी दुहाई आप देते हैं? कि जब आपका दिल किया, जब आपने देखा कि पैंथर्स पार्टी
फिर से उभर कर सामने आ रही है, तो आपको और कोई नहीं सूझा। पहले भी इन्होंने हमारे खिलाफ बहुत सारी साजिशें की हैं, बहुत सारे जो कोशिशें की हैं कि किसी ना किसी तरीके से इनको रोका जा सके, लेकिन पैंथर रुकने वाला नहीं है। सर, सर, ये हमें बीजेपी वालों को अच्छी तरीके से बता दें। आपने ऐलान किया कि आप रिवाइव करेंगे फिर से पैंथर पार्टी का, बीच में जाकर उसे और मजबूत बनाएंगे, तो उसी के दो दिन के बाद यहाँ पर ताला लग दिया, उससे पहले क्यों नहीं लगा? देखिए, यही तो बात देखने वाली है, और लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि इस दफ्तर को ताला क्यों लगा है, इस दफ्तर को खाली क्यों करवाया गया है। ये लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और अब आने वाले वक्त में जवाब भी देंगे, क्योंकि लोगों को भी ये भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही बता दिया कि अगर उनको कोई पीछे धकेल सकता है, उनकी कोई जगह ले सकता है, तो पैंथर्स पार्टी ले सकती है। इसलिए पैंथर्स पार्टी के खिलाफ साजिशें उसी दिन से फिर से शुरू हो गई जिस दिन हमने ऐलान किया कि अब हम पैंथर्स पार्टी को रिवाइव करने जा रहे हैं। क्या लगता है भाजपा डर गई है कि? वो तो जाहिर सी बात है, वो तो हम नहीं कह रहे हैं, वो तो दुनिया कह रही है आज। तो फिर से पैंथर पार्टी का वो ग्राफ जहां पर प्रोफेसर भीम सिंह जिसे लाया था, वो ला पाएंगे? सर बिल्कुल, ये पार्टी फिर से अपने पांव के ऊपर खड़ा होगी और सबसे बड़ी फोर्स के तौर पर आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में उभरेगी। ये मैं जम्मू कश्मीर के आवाम को यकीन दिलाना चाहता हूँ। इस समय देखिए पूरे जोशो खरोश के साथ है, भले ही टेंट के नीचे हैं, पर देखिए चेहरों पर खुशी है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अब देखना आने वाले समय में क्या जनता को समझा पाएंगे। और आप देख रहे प्रोफेसर भीम सिंह की जी की पत्नी जो धर्म पत्नी है माला सिंह जी यहाँ मौजूद है। जम्मू श्री हरदेव सिंह जी जिंदाबाद, जम्मू श्री हरदेव सिंह जी जिंदाबाद, जम्मू श्री हरदेव सिंह जी जिंदाबाद, डुगर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डुगर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरदेव जी आगे बढ़ो, हरदेव जी आगे बढ़ो। इस समय प्रोफेसर भीम सिंह जी की धर्म पत्नी माला जी भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करें। माला जी, दफ्तर को सील कर दिया गया स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा, आज फिर से आप भी इनके बीच में आई हैं, फिर से एक प्रण लेकर आए हैं कि फिर से रिवाइव किया जाएगा जो प्रोफेसर भीम सिंह जी ने जिस पार्टी की नींव रखी थी। आपने कहा रिवाइव किया जाएगा, रिवाइव तो है, जहाँ हर्षदेव है वहाँ रिविजन की जरूरत नहीं होती है, वहाँ पे आज की अब की इस टाइम की जरूरत होती है। तो इस टाइम जो हो रहा है कि ये दफ्तर को बंद करने के लिए, तो आपने बंद करना तो कम से कम टोटल बता के बताना चाहिए था कि रातों रात आपने बंद कर दिया विदाउट एनीथिंग, राइट? तो हर्षदेव सिंह पैंथर्स पार्टी का मतलब ही है पैंथर्स, सही करेंगे तो सही होगा, सही नहीं करेंगे तो सही नहीं होगा। हर्षदेव सिंह जी ने जब भी जहां भी किसी भी जगह पहाड़ पे ऊपर या जमीन के नीचे जरूरत पड़ी है लोगों को, वो वहीं गए हैं। तो इसलिए हर्षदेव जी ने जो यहाँ कहा, हम उसको फुल्ली सपोर्ट करते हैं और आप सबको भी सपोर्ट करना चाहिए। और हम आने वाले वक्त में, एक्चुअली मैं भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन रोज अनाउंस होता है होता नहीं है। तो हम जारी जो डिमांड है हर्षदेव जी की, जो डिमांड है बाकी पैंथर्स की, जो डिमांड है मंजू की, जो डिमांड है वो माला की, जो डिमांड है वो ये है, इलेक्शन करा दीजिए, जो जीत जाए उसकी सरकार बनेगी। तो इसमें ये क्या दिक्कत है कि इलेक्शन होता नहीं है और भाषणबाजी होती है, अभी उन्होंने भाषणबाजी देखी नहीं थी। अभी हम जब स्टार्ट कर रहे हैं, हर्षदेव जी जो कह रहे हैं वो ही होना होगा, नहीं तो लड़ाई की तो सामने है, नाम ही पैंथर्स है उनका और हम सबका, और आप हो सकता है कि आप सब लोग हमारे साथ इस बात को सही मानेंगे और बताएंगे। मंजू सिंह जी हमारे साथ समय मौजूद है। मंजू जी, आखिर चल क्या रहा है? विपक्षी दलों के दफ्तर खाली करवाए जा रहे हैं, पर जो सत्ता पक्ष है जिसका लगातार हर्षदेव सिंह जी आवाज उठा रहे थे, कहते चैरिटी बिगिंस एट द होम, पर क्यों नहीं भाजपा के अपने जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व डिप्टी सीएम हैं, उनसे जो क्वार्टर्स है वो या अकोमोडेशन है सरकारी वो खाली नहीं करवाई जा रही, पर हाँ पैंथर पार्टी के ऑफिस को सील कर दिया गया स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा, इतनी मेहरबानी क्यों है स्टेट डिपार्टमेंट की पैंथर पार्टी या विपक्षी दलों के ऊपर? मुझे लगता है उनको पैंथर्स पार्टी से कुछ ज्यादा ही प्यार है,
पहले हमें अपने घर से निकलवाया और जैसे ही अब ऐलान दो दिन हुए थे कि एक ही पैंथर को रिवाइव करेंगे और ये ऑफिस को ताला लग गया। कोई बात नहीं, हम तो सड़कों से ही चलते हैं, अगर ये हमारे ऑफिस बंद करें, सड़क तो आए ना, सड़क से तो हमें कोई नहीं उठा सकता, हम सड़क से ही उठेंगे और लोगों की आवाज़ करते हैं कि हम टेंट परमानेंट लगाया, सिर्फ आज के लिए लगाया, ये देखते हैं जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ लगता जाएगा टेंट, ये मोबाइल टेंट होगा, मोबाइल होगा जी। धन्यवाद। इस समय हमने आपको पूरे विजुअल बताया कि यही कह रहे हैं लोग कि टाइगर इज बैक। अब देखना ये है कि हरदेव सिंह जी जो जिनकी जिस पार्टी की पैंथर पार्टी की जो नींव रखी थी प्रोफेसर भीम सिंह जी की, जिन्हें मसीहा कहा जाता था गरीबों का, आज फिर से एक बार दहाड़े हैं। इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं भाजपा डर गई है, जो ही इन्होंने कहा कि पैंथर को फिर से रिवाइव करेंगे तो उसी के दो दिन के बाद, ठीक आप देख रहे हो ताला इस समय लगा हुआ है, तो वहां पर पैंथर ऑफिस की पार्टी को जो था उसे सील्ड कर दिया गया। अब सवाल बड़ा बार बार हमारा ये आता है कि अपनों पे कर्म और गैरों पे जुल्म, लगातार विपक्षी दलों के ऑफिस को खाली तो करवा रहे हैं पर खुद के घर से आप क्यों नहीं शुरुआत करते जनाब? लैंड एविक्शन की बात करें या एंटी इंक्रोचमेंट की बात करें या दफ्तरों को बंद करवाने की बात करें, आप सिर्फ विपक्षी दलों पर गाज गिराते हैं। शुरुआत अपने से कीजिए ना, ताकि जनता का आप पर विश्वास बना रहे। आप कितनी बार हरदेव सिंह ने प्रदर्शन भी किए जब आम आदमी पार्टी में थे कि पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी का घर था उसे खाली क्यों नहीं करवाया जा रहा, जब हाई कोर्ट के यानी ऑनरेबल कोर्ट के आदेश है कि जितने भी पूर्व मंत्री हैं एमएलए या सांसद है जो भी है उनको कोई भी वो गवर्नमेंट सरकारी अकोमोडेशन को एंजॉय नहीं कर सकता। लगातार आपके संतरी मंत्री तो कर रहे हैं, विपक्षी दलों पर तो आप गाज गिराते हैं, पर सवाल या निशान आपके खुद पर आता है कि आखिर क्यों? बार बार हम वही कहते हैं अपनों पे कर्म और गैरों पे जुल्म, आखिर कब तक ये चलता रहेगा? चलिए अब देखते हैं, हरदेव सिंह जी ने एक प्रण लिया है कि फिर से पैंथर पार्टी को, पैंथर ही नाम है जिसका, फिर से रिवाइव करेंगे, क्योंकि जनता की आवाज अगर कोई धड़ल्ले से सामने ला सकता तो वो पैंथर पार्टी है, जिसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से हरदेव सिंह जी पहले भी आवाज उठाते थे और अब भी उठाएंगे। चलिए देखते हैं, फिलहाल सियासत है, सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, चलिए ये जनता पर निर्भर है। अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।